अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को इस न्यू वीडियो में वेलकम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ग्रीन स्क्रीन वीडियोस एडिट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वीडियोस में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव करके एक वीडियो को दूसरी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप इसका प्रोसेस सीख सकेंगे। तो इसके लिए आप कोई भी ऐप यूज़ कर सकते हैं जिसमें क्रोमा की का फीचर हो। जैसे कि ये एक वीडियो एडिटर है वीटा नेम से, इसमें क्रोमा की का फीचर मिल जाता है। इसके अलावा कैप कट, काइन मास्टर और इनशॉट ऐप में भी क्रोमा की का फीचर मिल जाता है, जिनके बारे में पहले से मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो वीटा ऐप में ग्रीन स्क्रीन वीडियोस एडिट करने के लिए आपने वीटा ऐप को ओपन करना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और आपने पहले वो वीडियो सेलेक्ट करनी है जो कि ग्रीन स्क्रीन के बगैर हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये एक अंडर सी वीडियो है जिस पे कोई फ़िश नहीं है, ठीक है। इस कंप्लीट वीडियो में कोई फ़िश आपको नज़र नहीं आएगी। तो आप इसमें कैसे एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो ऐड करें जिसमें कोई फ़िश हो। जैसे कि मेरे पास गैलरी में एक ऐसी वीडियो है जिसपे एक शार्क की वीडियो है, ठीक है, ग्रीन स्क्रीन के साथ। तो कैसे इस वीडियो के ऊपर के ग्रीन स्क्रीन वीडियो एडिट कर सकेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, नीचे इन तमाम ऑप्शंस में से एक ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये PIP का, जिस पे जाके आप इस वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो ऐड कर सकते हो। तो आपने जाके इस वीडियो के ऊपर उस ग्रीन स्क्रीन के साथ जो वीडियो आपके पास है वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। अब ये वीडियो है जिसपे कुछ शार्क फिशेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इस वीडियो के ऊपर ये वीडियो मैंने ऐड किया है, तो अब इस वीडियो के ऊपर से ये ग्रीन कलर रिमूव करने के लिए आपने यहाँ से जाना है क्रोमा की के इस ऑप्शन पे। क्रोमा की पे आप जाएंगे और इस सर्कल को आप जिस कलर के ऊपर रखेंगे वो वीडियो पर से रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं इसको ग्रीन कलर के ऊपर रखूं तो अब ये यहाँ पे ग्रीन कलर यहाँ से रिमूव हो गया है। अच्छा, नीचे आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, एक है इंटेंसिटी, एक है सॉफ्टनेस। इस पे जाके अगर इस वीडियो में से अगर कम्प्लीटली ग्रीन कलर रिमूव नहीं हुआ है, जैसे कि इन शार्क्स के इर्द गिर्द या कुछ ग्रीन कलर नज़र आ रहा है, तो वो आप यहाँ पे सॉफ्टनेस में जाके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। या आगे आप बढ़ाएंगे तो वो ग्रीन कलर भी वीडियो पर से हट जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप प्ले करके देखें तो फिर ये देखें, अब ये वीडियो पर से ये ग्रीन कलर रिमूव हो गया है और यहाँ पर इस समंदर में ये शार्क्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपको लगेगा कि ये बिल्कुल रियल है। तो इसी तरह आप ग्रीन स्क्रीन वीडियोस एडिट कर सकते हैं। इसके बाद जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए तो टॉप में ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन लिखा हुआ नज़र आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगी। तो ये तरीका है दोस्तों ग्रीन स्क्रीन वीडियोस एडिट करने का। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस पर लाइक कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।